जातीय समीकरण में लाते हैं। निश्चित ही अखिलेश यादव जी आपको पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि आपका नाम अखिलेश यादव है, पर यहाँ देवरिया में जो घटना घटित हुई है यहाँ किसी यादव और दुबे की बात नहीं है, यहाँ अपराध की बात है। आप ये कह रहे हैं शिवपाल चाचा कि मुख्यमंत्री जी को प्रेमचंद यादव से भी मिलना चाहिए था, तो आप ही जवाबदेही हो जाइए और आप जवाब दीजिए ना कि आप यादव के तौर पर यह अपराध को देखते हैं और प्रेमचंद यादव के परिवार जो सारे यादवों ने मिलकर मारा है उन दुबे परिवार वालों को लिए उसका आप जिम्मेदारी उठा लीजिए। ऐसी पिछले 2 अक्टूबर को घटित घटना न सिर्फ देवरिया बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर के रख दिया। यह दर्शाता है कि किस प्रकार से अपराधियों के अंदर अपराध करने के लिए दौड़े पड़ते हैं। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो अपने आप को समाजवाद का प्रणेता समझते हैं वो इसको भी जातीय समीकरण बनाने का काम करते हैं। पूर्वोत्तर में हुई घटना जो विकास दुबे बिकरू का था, पुलिस इनकाउंटर में जो मारा गया था, तब ये चुनावी माहौल पैदा कर रहे थे, तब इनका समाजवाद जाग गया था और ये ठाकुर और ब्राह्मणवाद फैला रहे थे। आज जब एक प्रेमचंद यादव के परिवार ने आतंकवादी से गना उन्हें, मैं तो कहूंगा कि एक गरीब ब्राह्मण परिवार के पूरे परिवार को ही नष्ट कर डाला, छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा, और जिस प्रेमचंद यादव की हत्या की आज्ञा शासन प्रशासन ने अभी तक आधिकारिक रूप से सौंपा भी नहीं, किसी को घोषणा भी नहीं की, उस हत्या के बदले आतंकवादी सरगनाओं ने एक परिवार को ही खत्म कर डाला, उस परिवार पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। समाजवादी पार्टी के चाचा शिवपाल यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़े ही बेबाकी पूर्वक ये कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को न सिर्फ सत्यप्रकाश दुबे के परिवार बल्कि प्रेमचंद यादव के परिवार से मिलना चाहिए था, यानी कि उन परिवारों से मिलना चाहिए था जिन परिवारों ने 35 मिनट के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश को अपराध जगत में झोंक दिया। कितने दुर्भाग्य की बात है कि हमारे ये नेता रह चुके हैं पूर्वोत्तर में, कोई मुख्यमंत्री था कोई मंत्री था, और ऐसे लोगों को हम चुनाव में चुनावी रणनीति का माहौल बना देते हैं और इन्हें जाकर वोट दे देते हैं जो जातीय चश्मा आज तक नहीं उतार पाए और अपराधियों को भी जातीय समीकरण में लाते हैं। निश्चित ही अखिलेश यादव जी आपको पूरा उत्तर प्रदेश जानता है कि आपका नाम अखिलेश यादव है, पर यहाँ देवरिया में जो घटना घटित हुई है यहाँ किसी यादव और दुबे की बात नहीं है, यहाँ अपराध की बात है। जिस प्रेमचंद यादव की हत्या के बाद उस पूरे परिवार को मार दिया गया, क्या आप बताएंगे कि उसका जिम्मेदार कौन है? यदि आप ये कह रहे हैं शिवपाल चाचा कि मुख्यमंत्री जी को प्रेमचंद यादव से भी मिलना चाहिए था, तो आप ही जवाबदेही हो जाइए और आप जवाब दीजिए ना कि आप यादव के तौर पर यह अपराध को देखते हैं और प्रेमचंद यादव के परिवार जो सारे यादवों ने मिलकर मारा है उन दुबे परिवार वालों को लिए उसका आप जिम्मेदारी उठा लीजिए। ऐसी राजनीति एकदम घटिया किस्म की राजनीति बंद की जानी चाहिए और अपराधियों को आपराधिक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से कि एक भी अपराधी को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। मैं अखिलेश यादव की बात का पूरा समर्थन करता हूं कि इस पर जांच बैठनी चाहिए और संपूर्ण रूप से 2014 से लेकर अभी तक जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, क्योंकि जो प्रेमचंद यादव था वो समाजवादी पार्टी से पार्षद भी था, जिला पंचायत था, ये सारी चीजें बड़े ही विस्तृत तरीके से इस पर रिसर्च होनी चाहिए, जानकारी इकट्ठा की जानी चाहिए, इस पर सर्चिंग की जानी चाहिए, स्टिंग ऑपरेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये घटना मात्र 35 मिनट का नहीं है, ये घटना 2014 से बनाई जा रही है और 2023 में इसको जो है पूर्णता की तरफ ले जाया गया है। मैं उन परिवारों के साथ अपनी पूरी संवेदना व्यक्त करता हूँ जिनके साथ ये घटनाएं घटित हुई हैं। उस बच्चे की हालत आज भी गंभीर है और वो वेंटिलेटर में पड़ा हुआ है, ICU में पड़ा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके कि नेता तो अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं, ये पूरे समाज के लिए दुर्भाग्यजनक है। यहाँ किसी यादव ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि की बात नहीं है, अपराधी अपराधी होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती और इन अपराधियों के ऊपर कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए। ऐसा मेरा निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी से, इन्हें छोड़ा नहीं जाना चाहिए, इन्हें बुलडोजर से रौंदने की अब जरूरत नहीं है, इन्हें तो बीच चौराहे पे फांसी दे देने की जरूरत है।